अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक विद एपीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है हाई स्पीड अल्फा और सुजुकी जीडी 110 एस के दरमियान। आज हम विच वन टू बाइक के सीरीज़ के अंदर इन दो बाइक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि इन दोनों बाइक्स में से आपको कौन सा बाइक परचेज करना चाहिए, कौन सा बाइक आपके लिए बेहतर रहेगा और उसके अलावा कौन से बाइक में ज़्यादा फीचर्स हैं, कौन से बाइक में कम फीचर्स हैं और प्राइस वाइज कितना डिफरेंस है दोनों बाइक्स के अंदर। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बिना वेस्ट किए बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन में हम सबसे पहले अल्फा को देखते हैं। तो हाई स्पीड अल्फा का जो डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं कि इसको स्पोर्टी शेप देने की कोशिश की गई है। उसके अलावा इसकी सीट भी बिल्कुल उसी तरह की डिज़ाइन की गई है। अगर हम टैंक के डिज़ाइन की बात करें तो जो टैंक का डिज़ाइन है वो भी उसी तरह ही, उसको भी थोड़ा सा स्पोर्टी शेप देने की कोशिश की गई है। और उसके अलावा इसके आप हेडलाइट भी देख सकते हैं कि हेडलाइट भी स्पोर्टी इसके अंदर लगाई गई है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम जीडी 110 की बात करें तो जीडी 110 को बिल्कुल सिंपल लुक देने की कोशिश की गई है। जीडी 110 के अंदर आपको सिंपल सी सीट, बिल्कुल स्ट्रेट से आपको सीट मिलेगी। उसके अलावा टैंक भी उसका सिंपल सा है। उसके अलावा हेडलाइट भी बिल्कुल सिंपल सी इसकी डिज़ाइन की गई है। तो डिज़ाइन वाइज आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कौन सा बाइक डिज़ाइन वाइज ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स में हम सबसे पहले मीटर की बात करेंगे और अल्फा का जो मीटर है इसके अंदर आपको RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, ये तमाम चीज़ें इंस्टॉल मिलेंगी। और मीटर के बाद अगर हम इसकी असेंबलीज की बात कर लें तो असेंबलीज में इसके अंदर आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि इसके अंदर डिपर है, हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर, लेफ्ट राइट हॉर्न, राइट साइड के ऊपर किल स्विच भी इंस्टॉल्ड है इसके अंदर और सेल्फ स्टार्ट भी है इस बाइक के अंदर। तो फीचर्स वाइज ये बाइक कंप्लीट है, इसके अंदर कोई भी फीचर मिसिंग नहीं है एक्सेप्ट फॉर हैजर्ड लाइट्स, इसके अंदर आपको कुछ भी मिसिंग नहीं मिलता। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ जीडी 110S की बात करें तो जीडी 110S का जो मीटर है उसके अंदर आपको स्पीडोमीटर मिलता है और ट्रिप मीटर मिलता है, बाकी उसके अंदर चीज़ें मिसिंग है। अगर हम इसकी असेंबलीज की बात करें तो असेंबलीज में फुल है, इसके अंदर आपको किल स्विच भी मिलेगा, इसके अंदर आपको डिपर भी मिलेगा और ओवरऑल तमाम चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं। इसके बाद अगर हम टैंक एंड पेट्रोल एवरेज की बात करें तो जो हाई स्पीड अल्फा है उसका जो टैंक आपको मिल रहा है यह है 9 लीटर का टैंक। और उसके अलावा अगर हम पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो 35 से लेकर 40 तक इस बाइक की पेट्रोल एवरेज आपको मिलेगी। वो भी बेसिकली डिपेंड करेगा कि आप बाइक को किस तरह चलाते हैं, किस तरह मेंटेन रखते हैं, उस हिसाब से आपको एवरेज मिलेगी। इसकी एवरेज आपको 40 प्लस भी मिल सकती है इजीली, इसकी आपको एवरेज उससे कम भी मिल सकती है, कोई चांस नहीं है। वो फिर आपके चलाने पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह चलाते हैं और किस तरह मेंटेन रखते हैं बाइक को। इसके बाद अगर हम दूसरी तरफ जीडी 110S की बात कर लें तो जीडी 110S का जो टैंक है ये भी 9 लीटर का टैंक है, 9 लीटर का टैंक है इसका। और इसकी पेट्रोल एवरेज जो कंपनी रिकमेंडेड है वो है 45 किलोमीटर पर लीटर, इसमें लोगों ने एवरेज क्लेम की हुई है 50 तक और मिनिमम 40 तक। तो एवरेज वाइज डेफिनेटली जीडी 110S ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत हाई स्पीड अल्फा के। और उसके अलावा अगर आप टैंक के डिज़ाइन की बात करें, सीट के डिज़ाइन की बात करें तो वो मेरे ख्याल में अल्फा थोड़ा सा बेहतर है बनिस्बत जीडी 110S के। इसके बाद अगर हम सीट की बात करें तो हाई स्पीड अल्फा की जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल है और काफ़ी सॉफ्ट सीट बनाई गई है। दूसरी तरफ अगर हम जीडी 110S की बात करें तो इसकी सीट भी बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन जीडी 110S की जो सीट है वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगी बनिस्बत हाई स्पीड अल्फा के। तो सीट वाइज जो जीडी 110S है वो नंबर ले जाएगा। इसके बाद अब अगर हम इंजन की बात कर लें तो हाई स्पीड अल्फा का जो इंजन है वो 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट आपको इस बाइक का इंजन मिलेगा। और इसके अलावा इसकी जो इंजन की डिस्प्लेसमेंट है वो 100cc है। इसके अंदर जो आपको बोर मिल रहा है वो है 50 mm, इस बाइक का जो स्ट्रोक है वो है 49.5 mm, बाइक की कंप्रेशन रेशो है 9.7:1। इसके अलावा इसके अंदर आपको किक स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट दोनों इंस्टॉल्ड मिलेगा। इसके अंदर जो आपको फ्यूल सिस्टम मिल रहा है वो सिंपल कार्बोरेटर बेस्ड है, इस बाइक के अंदर आपको बटरफ्लाई कार्बोरेटर नहीं मिल रहा। उसके अलावा इसके इग्निशन सिस्टम में आपको CDI इग्निशन सिस्टम मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर हम इस बाइक की स्पीड एंड पिकअप की बात करें तो 100cc के हिसाब से इसकी स्पीड भी अच्छी है, इस बाइक की पिक भी अच्छी है। मैंने इसको पर्सनली चलाया हुआ है तो इस बाइक की स्पीड भी अच्छी है, इस बाइक की जो पिक है वो भी बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ अगर हम जीडी 110S की बात कर लें तो सुजुकी जीडी 110S का जो इंजन है ये 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है विद बैलेंसर शाफ्ट। बैलेंसर शाफ्ट इस बाइक के इंजन के अंदर इंस्टॉल्ड है जिसकी वजह से आपको वाइब्रेशन ना होने के बराबर इसके अंदर मिलती हैं। उसके अलावा बोर इसका 51 mm है, स्ट्रोक इस बाइक का 55.2 mm है। इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट है 113 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी जो कंप्रेशन रेशो है वो है 9.5:1।
इस बाइक के अंदर जो आपको फ्यूल सिस्टम मिल रहा है वो है बटरफ्लाई कार्बोरेटर बेस्ड। इसके अंदर आपको फ्यूल सिस्टम मिल रहा है बटरफ्लाई कार्बोरेटर बेस्ड, इसका फ्यूल सिस्टम है जिसकी वजह से आपको बेहतर एवरेज, बेहतर स्पीड मिलेगी। इसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको जो इग्निशन सिस्टम है वो CDI इग्निशन सिस्टम मिल रहा है इस बाइक के अंदर। स्टार्टर सिस्टम में इस बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट, किक स्टार्ट दोनों इंस्टॉल्ड मिलेंगे। और अगर हम स्पीड एंड पिकअप की बात करें तो इस बाइक को भी मैंने चलाया हुआ है, इस बाइक की आपको ज़्यादा बेहतर स्पीड मिलेगी, ज़्यादा बेहतर पिकअप मिलेगी बनिस्बत हाई स्पीड अल्फा के। इसके बाद अब अगर हम कंफर्ट लेवल की बात करें तो कंफर्ट लेवल में कौन सा बाइक बेहतर है। अगर हम हाई स्पीड अल्फा की बात करें तो हाई स्पीड अल्फा के अंदर आपको अच्छे शॉक्स मिल रहे हैं फ्रंट पर, बैक पर, अच्छी इस बाइक की सीट है। लेकिन इस बाइक के अंदर जो आपको इंजन मिल रहा है वो इतना वाइब्रेशनलेस नहीं है जितना उसको होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल नहीं मिल रहा। इसी वजह से आपको जो वाइब्रेशंस हैं वो इसके अंदर ज़्यादा मिलती हैं बनिस्बत सुजुकी JD110SK। और इस बाइक के अंदर ख़ास तौर पे आपको फुट वाली साइड पर ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होती हैं, हैंडल वाली साइड पर इतनी वाइब्रेशंस नहीं फील होती हैं जितनी फुट वाली साइड पर वाइब्रेशंस फील होती हैं। लेकिन अगर हम JD110S की बात करें तो वो ओवरऑल कम्फर्टेबल है, इंजन वाइज वाइब्रेशनलेस है ये बाइक, इस बाइक के शॉक्स बहुत अच्छे हैं, इस बाइक की सीट बहुत नरम है, तो कंफर्ट लेवल वाइज डेफिनेटली JD110S नंबर ले जाता है। दूसरी तरफ अगर हम पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो एक बाइक है चाइनीज़, दूसरा बाइक है जैपनीज़, तो फ़र्क तो होगा जाहिर सी बात है। JD110S पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी के मामले में ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत हाई स्पीड अल्फा के। और उसकी वजह क्या है, एक बाइक है चाइनीज़, एक बाइक है जैपनीज़, ये सिंपल इसकी रीज़न है। इसके अलावा अगर हम टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो टायर्स आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे हाई स्पीड अल्फा के अंदर, ब्रेकिंग वाइज भी ज़्यादा बेहतर है हाई स्पीड अल्फा, क्योंकि हाई स्पीड अल्फा के अंदर आपको डिस्क मिल रही है जबकि JD110S के अंदर आपको सिंपल ब्रेक्स मिल रही हैं। रोड ग्रिप की बात करें तो रोड ग्रिप दोनों बाइक्स की अपनी जगह बहुत अच्छी है। इस बाइक की अगर गियर बॉक्स की बात करें तो गियर बॉक्स वाइज मेरे ख्याल में JD110S जो है वो बहुत स्मूथ है बनिस्बत हाई स्पीड अल्फा के। हाई स्पीड अल्फा के जो गियर्स हैं वो अक्सर अड़ जाते थे, लेकिन जो JD110S है उसके गियर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गियर्स उसके इजीली शिफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम सीटिंग पोस्चर की बात कर लें तो सीटिंग पोस्चर मेरे ख्याल में JD110S का जो है, अगर आप लॉन्ग के हिसाब से सीटिंग पोस्चर की बात करें तो मेरे ख्याल में JD110S का सीटिंग पोस्चर ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह क्योंकि आप JD110S के अंदर ज़्यादा स्ट्रेट होकर बैठे हुए होते हैं तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं इस बाइक के अंदर। ख़ास तौर पर ये चीज़ आपको जब आप शहर में चला रहे होंगे बाइक को, दोनों बाइक्स को अगर आप शहर में चलाएं तो इतना आपको फ़र्क नहीं पता लगेगा, लेकिन जब आप लॉन्ग पे जाएंगे तो आपको डेफिनेटली फ़र्क पता लगेगा। दोनों बाइक्स को जब आप लॉन्ग पे लेके जाएंगे तब आपको कंफर्ट, जो सीटिंग पोस्चर है ख़ासतौर पर, उसका फ़र्क पता लगेगा। इसके अलावा अगर हम पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड पार्ट्स की कॉस्ट की बात करें तो JD110S जो है इस मामले में भी आगे है बनिस्बत हाई स्पीड अल्फा के। आपको ज़्यादा इजीली मिल जाएंगे JD110S के पार्ट्स बनिस्बत हाई स्पीड अल्फा के, क्योंकि हाई स्पीड अल्फा इतना मशहूर नहीं है। मगर इसका 2022 मॉडल जो है वो अभी भी शोरूम्स पे आ रहा है, और आपको जिस शोरूम से आप परचेज़ करेंगे इस बाइक को, आपको उम्मीद है उसी शोरूम से ही इसके पार्ट्स मिलेंगे। अब हाई स्पीड के कोई स्पेशल इतने शोरूम्स तो है नहीं किसी भी शहर में, लेकिन सुजुकी की जहाँ तक बात है तो सुजुकी के आपको शोरूम्स इजीली अवेलेबल मिलेंगे हर शहर में, तो आपको पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इतना मसला नहीं होने वाला सुजुकी JD110S के अंदर। और जहाँ तक पार्ट्स की कॉस्ट की बात है तो डेफिनेटली JD110S के जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादा महंगे मिलेंगे आपको बनिस्बत हाई स्पीड अल्फा के। इसके अलावा अगर हम मैकेनिक्स की बात कर लें तो मैकेनिक्स आपको दोनों बाइक्स के इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों बाइक्स का जो इंजन है वो कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है, सिंपल सा इंजन है, कोई रॉकेट साइंस उसके अंदर है नहीं। इसी वजह से आपको किसी भी मैकेनिक को दिखा दें आप, जो आपकी नज़र में अच्छा हो उसको आप दिखा दें, अगर वो काम अच्छा कर सकता है तो आपके दोनों बाइक्स का काम वो अच्छा कर देगा। इसके अलावा अगर हम रोड अट्रैक्शन की बात करें तो रोड अट्रैक्शन जो है वो हाई स्पीड अल्फा की ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत JD110S के। सो गाइस अब लास्ट में बात कर लेते हैं प्राइस की। तो प्राइस बड़ा मेन फैक्टर है और आप सब जानते हैं कि प्राइसेस कितनी हाई हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं JD110S की प्राइस की। तो सुजुकी JD110S की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 212,000 रुपये, 212,000 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। और दूसरी तरफ अगर हम हाई स्पीड अल्फा की बात कर लें तो हाई स्पीड अल्फा की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है तकरीबन 190,000 रुपये, 190,000 से 2,00,000 रुपए के दरमियान इस बाइक की अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है। सो गाइस अब लास्ट में बात करते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए। अब प्राइस का डिफरेंस आपने देखा है,
कि प्राइस का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम भी 20 से 25 हज़ार रुपये के दरमियान तक है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब 20 से 25 हज़ार रुपये का डिफरेंस है तो मेरे ख्याल में आपको जो बाइक परचेज़ करना चाहिए वो है सुजुकी GT110S। उसकी रीज़न, ज़्यादा कंफर्टेबल है ये बाइक, ज़्यादा रिलायबल है। उसके अलावा आपको ये बाइक, इसके ख़ास तौर पे जब इसके पार्ट्स जो हैं वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाले, बेशक पार्ट्स महंगे हैं लेकिन इसके जो पार्ट्स की लाइफ है वो बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल में आपको GT110S लेना चाहिए बनिस्बत हाई स्पीड अल्फा के। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनों को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।